दादरी में घटना हुई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी की, अब इन दोनों घटना को लेकर सहिष्णुता के विषय को आगे लिया गया। अब मुझे बताइए, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन दोनों घटनाओं के साथ कोई हमारा संबंध है? सब बिल हमारे नाम से फाड़ दिए। अब आपको यही करना है कि इस देश में मुसलमान खतरे में है, ये फियर पैदा किए बिना आपकी वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, तो मोदी जी को विलन के रूप में पेश करो। मैं आपको एक बात पूछता हूं, जो आप पूरे आपके सभी लोगों को एक प्रश्न पूछता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद ये जो उदारवादी और ये जो आपने सम्मान की बात की, हमने किसका अपमान किया? हमारी सरकार ने ऐसा कौन सा निर्णय किया है कि जिसके कारण हमने माइनॉरिटी का अपमान किया, जिसके कारण हमने कोई लोगों का अपमान किया? देखो, कहीं कहीं ऐसा होता है, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। हम क्या है, हमारे विचार क्या है, ये तो हम जानते हैं और हम उस पर पक्के हैं, पर हम कभी, हमने कोई राज्य में निर्णय करते समय कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया? कोई योजना चलाते हुए कहा कि जनधन योजना केवल इनके लिए, इनके लिए नहीं, ऐसा कहा? कोई पॉलिसी डिसीजन में सरकार का निर्णय ऐसा किया? पहले दिन से देखो, इस देश में दंगे तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी ज़्यादा हुए, यूपीए के कार्यकाल में भी हुए, घटनाएं होती रही और घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती है, पर उन घटनाओं को लेकर हमको बदनाम करना, कटघरे में खड़ा करना और हमको उस बारे में जिम्मेदार पकड़ के पूरे देश का वातावरण बिगड़ाना, ये कौन से सम्मान की राजनीति है? और इसलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर हमारी सरकार ने, आप कॉन्क्रीट बात करें कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने ये निर्णय ऐसा ऐसा गलत किया जो देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, बताओ कौन सा निर्णय किया? हमने ऐसा कोई निर्णय किया जो देश की माइनॉरिटी पर अन्याय करने वाला, बताओ कौन सा निर्णय किया? बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान भेजने चाहते थे आप लोग, हमने कभी नहीं कहा। किसने कहा आपको? साक्षी महाराज ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखो पहली साध्वी ने कहा। देखिए मैं आपको पहली बात बताता हूँ, मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा। देखिए देखिए पुण्य प्रसून जी, आपके चैनल के हजारों पत्रकार हैं, अलग अलग स्टोरियां करते, कभी भी कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टोरियां भी करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार की अगर कोई नीति पर आपको बोलना है, तो मैं पूर्व अध्यक्ष हूं बीजेपी का, अमित शाह अध्यक्ष है, राजनाथ सिंह अध्यक्ष है। सरकार की भूमिका अगर कोई मंत्री बोलता है और उसमें भी एक वाक्य छोड़ दिया, चार वाक्य निकाल दिए, बीच का एक वाक्य डाल दिया, दिन भर ब्रेकिंग न्यूज चलाया ऐसे का, अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ, वो सीमा पारेश्वर जी मुझे माफ करें, मैं 6 महीने से दिल्ली का प्लान तैयार कर रहा हूँ। अब उस दिन वो 20,000 शहर में फंसा था, अब फंसने के पहले 6 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने स्टोरी लगा दी कि गडकरी फंसे तो उनको याद आया दिल्ली का प्लान बना रहा है। अब वो उनका भी सही है, चलता ही ऐसा थोड़ा बहुत होना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि मैं आप 5 निर्णय गिनाता हूँ कि 6 महीने से मैं इस पर काम पे लगा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से रेफरेंसेस बदलने से सब्सटेंस बदल जाता है। नहीं गडकरी जी, देखो साक्षी महाराज, देखिए हमारे पार्टी में अनेक नेता है और हमारी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड पार्टनरशिप पार्टी नहीं है, माँ बेटों की पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है कि एक जन बोले और बाकी सुने, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं बता रहा था, मैं जब अध्यक्ष था तो एक निर्णय करते करते मेरे को 4 घर 5 घर जाके एक एक को समझा कर करना पड़ता था। अब पार्टी में भी हमारे कोई एक तो सबसे बड़ी कमजोरी हमारे पार्टी की है, जब मैं था तो एक बार मैंने कहा था कि एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबके गले में हार डाल के स्वागत करो और मुंह पे पट्टी लगा दो, और तुम लोग भी दंडू के लेके देखते रहते, टेम्पटेड करते उनको तुरंत बोलते हैं। अब हमारे पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं, सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, चुनाव में खड़े होते, उनके बोलने से पार्टी सहमत नहीं, उनके बातों से सरकार सहमत नहीं, उनके बातों से अमित शाह सहमत नहीं, उनके बातों से राजनाथ सिंह सहमत नहीं, उनके बातों से नितिन गडकरी सहमत नहीं, उनके बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहमत नहीं। अब आपको वही देखते हैं, आपको मेरी बोली हुई बातें नहीं आपके ध्यान में आती, आपको साक्षी महाराज दिखते हैं, आपको वही हमारे महंत जी दिखते हैं, आपको मंत्री महिला जो है वो हमारे पार्टी से संबंधित ही नहीं, उसका पूरा बिल हमारे नाम से फाड़ते, न वो भाजपा की है, न विश्व हिंदू परिषद की भी है, वो भगवे कपड़े पहनी, वो बोली कि देखो ये भगवा एजेंडा, उसको बार बार दिखाते, वो हम कह इसका हमारा कोई संबंध नहीं, वो भी हमारे नाम पे चिपका देते हैं। मतलब क्या होता है इसका, वो महिला जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका हमारे पार्टी से कोई संबंध नहीं, और वो भी जैसे हमारी भाजपा की प्रवक्ता करके उसने कहा करके आप दिन भर चलाते हैं। तो मुझे कभी कभी क्या लगता है कि अगर राजनाथ जी कुछ कहे, मैं कुछ कहूँ, अमित शाह कुछ कहे, हमारे जनरल सेक्रेटरी कुछ कहे, हमारे मंत्री अगर कुछ कहे और उसमें कुछ है, तो ये स्टेटमेंट है, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है सरकार का या पार्टी का,
अब ये हमारे पार्टी में अनेक प्रकार के लोग हैं और चुनाव जीतने के लिए सबको जो जीतता है उसको टिकट देते, ये लोकतंत्र की परंपरा है, लाइक इट मे नॉट लाइक इट। एक ही क्राइटेरिया होता है चुनाव कौन जीत सकता है, फिर सब गुणों के बाजू में होती है, बेचारे चुन के आते हैं। अब उनके साथ कोई बोलता होगा तो हमने चार बार कहा कि ये पार्टी का ऑफिशियल मत नहीं, ये सरकार का ऑफिशियल मत नहीं। फिर उसके बाद उसको हमको चिपका कर उनको बार बार हमारे गले में क्यों लटकाते हो? सर, एक देश संविधान से चलता है, उसमें कुछ कानून की व्यवस्था है। अगर आपका मत नहीं है और इस तरह के वक्तव्य जिम्मेदार लोग दे रहे हैं, वो सांसद हैं, मंत्री हैं, कानून इस देश में अपना काम क्यों नहीं करता है? ये सवाल लोगों के जहन में बार बार आता है। मेरे समझ में नहीं आया। समझो हिंदुस्तान के कानून में एक आधे व्यक्ति ने अगर स्टेटमेंट गलत किया है तो CRPC या सिविल प्रोसीजर कोड या कोई भी कानून के आधार पर कौन सी कार्रवाई हो सकती है और कौन सा कलम है, मुझे बताइए। देखो, लोकतंत्र में अभी जैसे उदाहरण के लिए निर्णय कोर्ट का, अपील करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में करना है, पार्लियामेंट का निर्णय से कोई संबंध नहीं, सरकार का कोई संबंध नहीं, मंत्रियों का कोई संबंध नहीं। वो जज भी बदला था तो वही कहा गया कि इसको वही रखो, फिर वो चीफ जस्टिस ने उनको वही रखा, उन्होंने दिया हुआ निर्णय और पार्लियामेंट बंद है। कोई तो रिलीवेंस ढूंढे कि पार्लियामेंट का क्या संबंध है, सरकार का क्या संबंध है। अगर कुछ UK में कुछ होगा तो गडकरी रिजाइन करो, मैं कैसे रिजाइन करूं? नहीं नहीं, UK के रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, आप रोड मिनिस्टर हो, आप भारत में रोड मिनिस्टर हो, UK में एक्सीडेंट, आपने रिजाइन करना चाहिए, आज रात को चर्चा, गडकरी सही है कि गलत है, क्या क्या मतलब है इसका, कभी तो आप समझाइए मुझे। अश्वनी जी, मैसेज दो है, एक चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए किसी भी रास्ते पर चला जा सकता है और वो जीतेंगे, लोग जीत के आएंगे। और दूसरा मैसेज है, कांग्रेस को भी ये समझ में आ गया कि अब राजनीति करनी चाहिए और राजनीति के आश्रय ही सत्ता मिल सकती है और बाकी डेवलपमेंट पार्लियामेंट कोई मायने नहीं रखता है। खैर, इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं नितिन जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। बहुत लंबी बात कही उन्होंने। नितिन जी ने कहा कि दादरी में जहां हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, वहां इनकी सरकार नहीं है, कर्नाटका में इनकी सरकार नहीं है। मैं इनको याद करा दूं, सुधेंद्र कुलकर्णी का मुंह काला हुआ, इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। और पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री की मौजूदगी में महाराष्ट्र में बंबई में जो देश के दिल की धड़कन है वहां पर उनका मुंह काला हुआ, इनकी सरकार है। पर अडवाणी जी और मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, नहीं, आप दभोलकर की बात कर लें, पंसारे की बात कर लें, देखिए बात उस वक्तव्य की कर लें जो आपके एक मंत्री ने कहा और ऐसी तुलना की कि आज भी जब मैं उस शब्द को सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने अपने नेचुरल स्वभाव को छोड़कर बहुत तीव्र प्रक्रिया की थी राज्यसभा में। क्या यह सच बात नहीं है कि आपसे संबंधित बहुत अहम पदों पर रहते हुए लोगों ने तुलना की थी कि जो आपको वोट दें वो रामजादे हैं और जो आपको वोट ना दें वो हरामजादे हैं? क्या हम भूल गए? क्या हम भूल गए साक्षी महाराज की वाणी? आप कहते हैं कि जो नितिन गडकरी कहे और राजनाथ सिंह कहें और जो प्रधानमंत्री कहें वो तो आपकी बात है, हमारा इश्क इश्क है, तुम्हारा इश्क गुनाह। आप तो ये मजाक, ये देखिए गडकरी जी, मैंने आपकी बात को टोका नहीं, जरा बात सुन लीजिए। देश के लोगों में ये बात जा रही है, आप किसी भ्रम में ना रहें। जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, बड़े बड़े शहनशाहों को उन्होंने धूल चटा दी, आप तो 3 साल के लिए हैं और वो भी हैं या नहीं है वो बाद में हम देखेंगे। मगर सवाल ये है, नरेंद्र मोदी जी कुछ कहें ना कहें, आप कुछ कहें ना कहें, राजनाथ सिंह जी हम उनका बहुत आदर करते हैं, कुछ कहें ना कहें, पर आप जब आपके नेता आपकी पार्टी से के साथ संबंधित लोग इस तरह की बातें करते हैं और आप मुंह उधर कर लेते हैं तो किसकी जवाबदेही है? जवाबदेही किसकी है? आप मंत्री हैं, आपके मंत्री में, आपके मंत्रालय में एक गुनाह होता है, उसकी अल्टीमेट मॉरल जिम्मेवारी तो एज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री आपकी होती है कि नहीं होती है? आप जानते हैं, आप तो बहुत बड़े पदों पर रहे हैं। और मैं एक बात आपको और बताऊं, इस देश का लोकतंत्र बहाल रहा है और रहेगा, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
पर इस लोकतंत्र की मर्यादा पहचाने, इसमें हलीमी की जरूरत है, ह्यूमिलिटी की जरूरत है, एरोगेंस की जरूरत नहीं है। 56 इंच का सीना दिखा के कोई प्रधानमंत्री बात नहीं करते। हम प्रधानमंत्री के पद का आदर करते हैं, हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं का आदर भी करते हैं। आपने एक बात कही कि पार्लियामेंट नहीं चलने देते। मैं ये नहीं आपको याद दिलाना चाहता कि आपने अपने जब आप ऑपोजिशन में थे आपने क्या किया, जो आपने बोया वो आप काट रहे हैं, पर उसको छोड़िए। मगर हम ये जानना चाहते हैं कि सर्वोच्च सदन है देश के लोकतंत्र का, हमारे जो 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 सदन है, अगर हम अपनी बात, अगर हम अपनी पीड़ा, अगर लोगों की पीड़ा को वहां पर नहीं रख सकते तो बताइए कहां रखेंगे। आप कहते हैं कि आप चर्चा कीजिए, कौन सी चर्चा से हम भागे हैं? आप जीएसटी के साथ जोड़ रहे हैं इस विरोध को। हम जीएसटी लाए थे मेरे भाई, आप जीएसटी नहीं लाए थे। हमने बार बार कहा कि हम जीएसटी पास करने को तैयार हैं, ये हमारे 3 मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेताओं को चाय पे चर्चा के लिए बुलाया, हमने अपने 3 पॉइंट्स रखे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम इन 3 पॉइंट्स पर आपके पास अपना मत भेजेंगे। आज तक हम उस मत की इंतजार कर रहे हैं। तो इस विरोध को बराए मेहरबानी ना तो जीएसटी के साथ जोड़ के देखिए, ना किसी और केस के साथ जोड़ के देखिए। देश के लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, संसद एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर अपनी बात रखने का हमें अधिकार है। लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना मर्जी विकास की बात आप कर लें, और विकास होना चाहिए क्योंकि विकास के माध्यम से ही देश की गरीबी जाएगी, मगर जो पर्यावरण का आप हाल कर रहे हैं, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी जिसकी सिफारिशों को संसदीय कमेटी ने, संसद की संसदीय कमेटी के जिसका मैं चेयरमैन हूं, सर्वसम्मति से जिसमें आपके नुमाइंदे थे रद्द किया, उसकी सिफारिशों को आप बैकडोर से फिर कानून में लाना चाह रहे हैं। आपने दिल्ली का हाल देखा, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, दिल्ली चौक हो रही है, और आप विकास के नाम पर पर्यावरण की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बात बात करने लगे तो गडकरी जी बहुत बातें हैं, आप तो बहुत सीनियर हैं, हम आपका बहुत व्यक्तिगत आदर करते हैं, आपकी कई बातों को मैंने टोका नहीं, पर एक अखिली बात कह के प्रसन्न जी आप फिर अपने सवाल कीजिए। देश में विकास चाहिए, सस्टेनेबल विकास चाहिए। देश में विकास ऐसा चाहिए जिससे सामाजिक न्याय बढ़े। 18 महीने के अपने कार्यकाल में हमें एक तो स्कीम बता दीजिए जो आपने अपने मन से बनाई हो। हर यूपीए की स्कीम को आप आगे बढ़ा रहे हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी अच्छी स्कीमें आगे बढ़ाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बट डोंट एरोगेट द क्रेडिट टू योरसेल्फ, इट बिलोंग्स टू द नेशन, इट बिलोंग्स टू सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। और दूसरी बात, आप ये बताइए कि जो सामाजिक न्याय की जो नीतियां हमने बनाई, जो आपने बजट में कटौती की, सबसे ज्यादा कटौती आपने उन स्कीमों में की जिसका सीधा ताल्लुक देश के गरीब वर्गों के उत्थान के साथ था। तो अल्टीमेट पॉलिटिकल मोरालिटी ये होती है कि जो पावर की परसूट होती है ना, जो पावर इन द रॉ जिसको हम बोलते हैं, उसकी परसूट करके पावर जीत लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। What is the end to which you are applying the power that the people of India have given to you? That's the moral question. और वो आपको जवाब देना होगा। आप आज कटहरे में हैं। किसी ने कहा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये आपसे और प्रधानमंत्री जी से हम कह रहे हैं, ये बता के काफिले क्यों लुटे। हमें राहजन से गरज नहीं, चोरों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तुम्हारी लीडरशिप का सवाल है। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के लिए शुभकामनाएं। ऐसा है, जो सुविधा का होता है उसको इंटरप्रेट करना और वाक्यों को तोड़कर बताना ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी अनेक बार दिग्विजय सिंह से लेकर अनेकों के स्टेटमेंट को डिसोन कर चुकी है। लोकतांत्रिक पार्टी में और कभी कभी मीडिया में भी ऐसा होता है कि एखादा पक्ष चला जाने के बाद जो सीनियर व्यक्ति होता है वो उसको कहता है कि हमारा ये उद्देश्य नहीं था। पहली बात मैं बार बार कह चुका हूं कि जो स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं, जो हमारे सांसदों में से किसी ने किए होंगे, उसका हमने विरोध किया, उनको बताया कि आपका बोलना उचित नहीं है।
हम एक राजनीतिक पार्टी है, शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है। हम दोनों के विचार अगर एक होते तो हम एक पार्टी बनते हैं। सुदेंद्र कुलकर्णी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, जो मेरे घनिष्ठ मित्रों में से उसमें से एक है। और जब यह घटना मुंबई में हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई की, आडवाणी जी ने उसका विरोध किया, मैंने उसका विरोध किया, और उनके कृति से हम बिल्कुल संबंधित नहीं है, हमने निषेध किया। सर जरा सा सुधार कर दें, जिन छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी वो वापस ले ली गई है शिवसेना के, जिन्होंने मुंह काला किया। देखिए पहली बात तो ऐसी है कि वो जो घटना जिस समय हुई थी उस समय आडवाणी जी जैसे हाईएस्ट व्यक्ति ने मीडिया में प्रतिक्रिया देकर, आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने विरोध किया, निषेध किया, मैंने भी विरोध किया, और उसके साथ साथ उन लोगों को अरेस्ट किया गया, उनको कोर्ट में लिया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया। अब प्रश्न ऐसा है कि हमारी सरकार ने और हमने जिस घटना का विरोध किया उसका बिल हमारे नाम से फाड़ना बराबर है क्या? एक दूसरा, मणिशंकर अय्यर से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर अनेक लोग कांग्रेस में उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, पर सोनिया जी आखिर जो कहेगी, राहुल गांधी जो कहेंगे, या अभी आज लोकसभा में उनके नेता जो कहेंगे, वो ऑफिशियल लाइन होगी। अगर हमारे पार्टी में भी, मैं ये दावा नहीं करता कि सब लोग बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं और सबका सही है, हमारे पार्टी में भी कोई नेता अगर गलत स्टेटमेंट देता है तो प्रधानमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने उसका विरोध किया है और उसके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया है। जब विरोध किया और क्लेरिफिकेशन देने के बाद में भी, और आपको तो मालूम है अब हमारे एक मंत्री के खिलाफ भी इन्होंने बहुत कहा, पार्लियामेंट में किया और कोर्ट में जाकर कोर्ट ने निर्णय क्या किया, यह भी आपको मालूम है। मेरा कहना ये, देखो राजनीति में एक चलते रहता है, और एक बात जरूर है कि हम लोग अभी सत्ता में आए, 5 साल में रहेंगे नहीं रहेंगे जनता तय करेगी, पर आज मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सत्ता के बाहर गए, जैसे मछली पानी के बाहर जैसे निकलती है, तो जैसे कर रही है वैसे कुछ लोगों की अवस्था हुई है। अब उनको लगता है कि सत्ता हाथ में जाने के कारण वो बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। देखो हम दमक आदमी हैं, मैं फुटपाथ पर चलकर और पोस्टर चिपकाकर लीडर बना हूं। मेरी माँ कोई MLA MP नहीं थी और मैंने कोई बायोडाटा देकर लीडर नहीं बना, ना किसी के गले में हार डाला, ना कभी स्टेशन पर किसी स्वागत के लिए गया, मैं जमीन पर काम करता हूं। आप नागपुर में थे और इसलिए मैं छोटे छोटे इसमें काम करते हुए कार्यकर्ता करके बड़ा हुआ, इसलिए मैं ये दिल्ली के राजनीति में ये मैनिपुलेशन, स्पेकुलेशन और अपना इमेज प्रोजेक्शन वगैरह धंधे कभी करता नहीं। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, जो सही अच्छा है जो दिखे दिखे, पटता है तो पटता, नहीं पटता तो नहीं पटता, वो साफ बात करता हूँ। अब मुझे बताइए, मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस समय, मैं आपको ये बिल्कुल, ये हमारी पार्टी की एक कमी है कि हमारी पार्टी देश की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है, और इसलिए मैं 5 साल अध्यक्ष था, 3 साल अध्यक्ष था। अब कोई भी निर्णय अध्यक्ष को नहीं, अब जैसे सोनिया जी ने एक निर्णय किया, कांग्रेस पार्टी में किसी की ताकत है उसके खिलाफ बोलने की? हमारे जब अध्यक्ष का निर्णय होता है तो 10 लोग उसके ऊपर आपका निर्णय सही नहीं करके बात करने के लिए आते हैं। तो थोड़ी हमारी पार्टी में ये कोई लोग आउट ऑफ लाइन अगर कोई गलत बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने, और हमने उस बात को, हम सहमत नहीं है, इसका खुलासा दिया। सर एक चीज बताइए, ये पार्टी अध्यक्ष रहेंगे या चले जाएंगे? इनका टर्म पूरा हो रहा है, ये पार्टी तय करेगी। ये मैं आज तक बोल रहा हूं, डेमोक्रेटिक है, बहुत बताया आपने। सर डेमोक्रेटिक है तो पार्टी के जो 15-20 प्रमुख नेता है सबसे बातचीत चर्चा होकर फिर निर्णय होगा। RSS तय नहीं करता है। देखो ये तो आपके मन में, देखो मैं आपको बता दूं, आप भी अध्यक्ष रहे थे और हमारे जहन में तुरंत आया कि अध्यक्ष का टर्म जो है दिसंबर में पूरा हो रहा है। देखो RSS कोई निर्णय नहीं करता, आपको ये बात पर मेरा विश्वास नहीं होगा, पर आप मेरे स्वभाव को जानते हैं, फैसला लेता है। नहीं नहीं, जब तक हमारे बीच में कोई दो विवाद नहीं होते तब तीसरे के पास कभी जाती नहीं। तो आप लोग के बीच विवाद है अध्यक्ष? नहीं नहीं नहीं, अभी है ही नहीं है, हम लोग मिलकर निर्णय तय करेंगे, हमें कोई कठिनाई नहीं है उसमें। ओके एक बात बताइए, दो प्रकार के निर्णय होते हैं। कुछ पार्टी ऐसी है जो प्रोप्राइटरी कंसर्न है, जिसमें एक मालिक है और बाकी लोग बेचारों को आदेश का पालन करना है। हमारे पार्टी में क्या है कि 10 मालिक है, तो स्वाभाविक रूप से ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसा है या थोड़ा सा कोऑपरेटिव कंसर्न है, तो दोनों के मैनेजमेंट के पैटर्न में थोड़ा फर्क पड़ता है। ये एक बात कहना मैं जरूर इस वक्त मुनासिब समझता हूँ, और आपने बार बार ये कहा कि आप बहुत लोकतांत्रिक पार्टी हैं और दूसरी पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं हैं। गडकरी जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके ये बात सच नहीं है कि आपके कैबिनेट मंत्री, तो छोड़िए जो बहुत सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं,
वो अपना पीएसपी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के मंजूरी के बगैर नहीं बना सकते। एक मिनट मेरी बात कह लेने जी, मैंने आपको टोका नहीं। आपने बड़ी दबंगी की बात की कि मैं बहुत दबंग हूं। हमने आपकी दबंगी देखी है। एमरजेंसी में आपने अपनी खाकी निकरों को जला दिया था कि लोग ये ना देख लें कि कहीं खाकी निकर तो नहीं हमारे यहाँ है। हमने बहुत दबंग लोग देखे हैं आपके। हमने देखा ये? हमने कहाँ देखा बताओ ना, कौन से तारीख को मैंने ये तो इतिहास है ना। हमने ये तो कौन से तारीख को कहा मैंने अपनी खाकी जगह जलाया, जरा बताओ ना लोगों को, झूठ क्यों बोलते हो? ये तो इतिहास है, सारी देश के सामने का लिखा इतिहास है। कल आप बोलेंगे ये बताओ कि शाहजहां को आपने ताजमहल बनाते देखा था तो क्या मैं उसको लेके आऊंगा? ये 77 की कहानी है और देश का मानस और देश का जो सोच है और देश की जो यादगार है वो एक तरह से इतनी भी धूमिल नहीं हुई अभी कि उनको इतिहास भूल जाए। हमने आपके दबंग लोगों को देखा है। आप सत्ता में आके 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, हमने देखा आपको। मगर ये बताइए कि कहाँ गई आपकी दबंगी बिहार में? कहाँ गई आपने जो बातें इतनी बड़ी की, सबका साथ सबका विकास? नहीं अश्वनी जी, अश्वनी जी, ये कम बड़ी दबंगई है? माँ बेटे की सरकार कहते हैं और माँ बेटे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया नेशनल हेराल्ड मामले में। नहीं, एक छोटा सा इनका जवाब, इन्होंने पहली बार खड़ा किया, आप मान रहे हैं इन्होंने खड़ा किया, हम इनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। मैं इनको चुनौती देता हूँ। मैंने परसों एक हिंदी फिल्म का गाना बताया था, वो जरा इनके लिए बहुत फिट होता है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल जाना है। अरे मैं प्योर आरएसएस वाला हूँ, मैं इमरजेंसी में पूरे संघर्ष में था, मैंने पार्ट टू की पढ़ाई छोड़ दी और मैं पूरी तरह आपके जितना था जेल में गया, सब जगह मैंने भोगा है और मैं कभी अपने कन्विक्शन को नहीं छोड़ता। मेरे सत्ता गई तो चलेगी और हमने कोई बदले नहीं, कोई चड्डी जलाई नहीं। मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूं। आई एम प्राउड ऑफ माय कन्विक्शन, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं। आप और इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, आप भी बदले रहे अभी आज, अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि हमने कोई क्षमा प्रार्थी का पत्र दिया इंदिरा गांधी जी को, हमने कोई हार स्वीकार की, हम कोई आपके पास टिकट मांगने के लिए आए, हमने कोई पार्टी, तो हमारा एक्सपोज करो, झूठ क्यों बोलते हो? ऐसा है गडकरी जी के आरएसएस और दूसरा लोकतंत्र, ये डिबेट जो है ये आरएसएस के प्रति आपकी वचनबद्धता की डिबेट नहीं है। हम आपका आरएसएस, आप कह रहे ना मैंने चड्डी जलाई और मैं भाग गया और आप आरएसएस के लोगों ने, मैं आपकी पर्सनल बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने आरएसएस की दबंगी देखी है। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ने की बात नहीं है। इसलिए देखिए बात कहने दीजिए, अगर इस मंच पर भी नहीं कहने देंगे तो फिर आपकी असहिष्णुता तो सामने आ जाएगी। तो आप मंत्री हैं उस पद का, आपको झूठ मत बोलिए, आप सब बात झूठ मत बोलिए। वो तो मैंने कहा हमारा इश्क इश्क है, तुम्हारा इश्क गुना। ये तो आपके झूठ की बोलने की नहीं, जो आप ग्रास रूट पर जो सच्चाई है वो देखिए। और जो गाने जरूर, और जो आप आज आप जो गाने सुना रहे हैं, तो गाने तो बहुत है हमारे पास भी सुनाने वाले। आप ही शायरी सुना रहे हैं, 420 के गाने अगर मैं सुनाने लगूं आपको राज कपूर साहब के, तो फिर आप कहेंगे कि आपने तो फिर बॉलीवुड की बात शुरू कर दी। देखिए ये एक सीरियस डिबेट है और इस सीरियस डिबेट में आप कटहरे में हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं। आपकी जवाबदेही है, जो जो प्रश्न मैंने उठाए हैं उसकी जवाबदेही आपकी बनती है और देश की जनता की अदालत में आपको इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। जहां तक हमारी राजनीति और हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की बात है हमारी पार्टी की, आप ये मान के चलिए कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, फैसले विचार विमर्श के बाद किए जाते हैं। हर पार्टी में कुछ शीर्ष नेता होते हैं और आपकी पार्टी में, हमारे तो इतिहास है एक, आपकी पार्टी में जो शीर्ष नेता आज हैं, किसका दम है? आपके किस मंत्री का दम है कि उनकी बात से आप विभिन्न राय रख सके? तो ज्यादा लोकतंत्र की बात तो मत कीजिए, हम देख रहे हैं कि कितना लोग अश्वनी, हमको लगता है इसको कैटेगरी हम लोग ले आए क्योंकि बहुत सीरियस मैटर देश देख रहा है लगातार। और जिस बात का जिक्र आपने गडकरी जी कहा कि यहाँ पर कुछ लोग जिम्मेदार हैं, वहां पर भी हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जो राहुल गांधी अगर ये कहते हैं, अगर ये ऑफिशियल लाइन है, अब भी मान रहे हैं 100% पीएमओ का हाथ है, ये मैसेज क्या है नेशनल हेराल्ड मामले में? अगर वो ऑफिशियल लाइन है तो ये मैसेज क्या है देश? पहली बात तो ऐसी है
कि ये मामला जिस कोर्ट में चल रहा था इस कोर्ट का वो निर्णय है। जब वो कोर्ट बदल गया था तो सिब्बल साहब ने चीफ जस्टिस को अपील किया कि वो रोटेशन में बदलता है, और उन्होंने कहा कि यही कोर्ट चाहिए, आपने इनको क्यों बदला है। तो चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, यही कोर्ट फिर से रहेंगे, और रोटेशन में बदलते हुए भी उनको फिर वही रखा, और उसी जस्टिस ने निर्णय दिया। अब निर्णय इनके खिलाफ दिया। अब मैं आपको पूछता हूं पूर्ण प्रसून जी, 90 करोड़ रुपए एक पार्टी इकट्ठा करती है, पार्टी के डोनेशन पर इनकम टैक्स नहीं है, वो 90 करोड़ रुपए एक ट्रस्ट को दिए जाते हैं, वो ट्रस्ट जो है वो पैसा जो है वो एक कंपनी को दिया जाता है, और उस कंपनी को फिर नेशनल हेराल्ड की पूरी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकियत मिलती है, उसमें 36% शेयर होता है फिर सोनिया जी का, 36% राहुल का, और फिर उसमें मोतीलाल वोरा जी और उसके साथ हमारे ऑस्कर फर्नांडिस इनके शेयर होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जो रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा था कि नेशनल हेराल्ड के लिए अगर समय आएगा तो मैं अपना घर बेच दूंगा। अब नेशनल हेराल्ड को जो जो जमीन देश में मिली है वो केवल मीडिया के लिए चलाने के लिए मिली है, ये भी एक आप चलाइए, और वहाँ किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती। 2008 को नेशनल हेराल्ड बंद हो गया, उसके बाद में ये प्रॉपर्टी किराए से दी गई। इस प्रॉपर्टी में हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री का एक ऑफिस है वहाँ, वो 8 लाख रुपये महीना किराया देता है। अब मुझे बताओ कि सरकार ने जो प्रॉपर्टी मीडिया के लिए दी उसमें किराए से लोगों को रखना, उस प्रॉपर्टी का कमर्शियल उपयोग करना, और जो नेशनल हेराल्ड जो एक ट्रस्ट के रूप में था उसको एक कंपनी में ट्रांसफर करके उसकी मालकियत को लेना, और जो इनकम टैक्स न देते हुए जो 90 करोड़ रुपए मिले हैं वो पैसे को ट्रस्ट के द्वारा इस कंपनी में ट्रांसफर करना। अब फिर भी ये 2012 में जब स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तब उन्होंने FIR दर्ज की, और FIR दर्ज करने के बाद जब कॉलेज कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट में गए। अब इस विषय के साथ मुझे अब बिल्कुल आप जैसे ये शुद्ध लोग सब है, मैं मुझे पूछना चाहता हूँ, क्या कोर्ट का निर्णय प्रधानमंत्री ने फोन करके दबाव में किया है? क्या ये बातें बचकाना है? ये हमारे ऊपर आरोप तो नहीं है, ये तो न्यायालयीन व्यवस्था के ऊपर आरोप है कि यहाँ के जजमेंट जो है वो PMO से दबाव डाल के होती, इस प्रकार का आरोप है। जो जज बदला था रोटेशन में उसको आप नहीं लाया, उसी ने निर्णय दिया। अब मुझे बताइए कि आज इस देश में अगर आपके खिलाफ अगर निर्णय होता है तो ये कहना कि प्रधानमंत्री के दबाव में जुडिशियरी काम कर रही है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट करने के बारे में जो भूमिका हमारे सरकार ने और कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर ली थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हमने उसका आदर किया। अब ऐसे स्थिति में वो जजमेंट हमने यानी तुम्हारे खिलाफ गया इसलिए हमारा नाम लेना, इस जजमेंट के साथ भारत सरकार का कोई संबंध है? इस जजमेंट के साथ संसद का कोई संबंध है? इस जजमेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई संबंध है? हमारा कोई संबंध नहीं। आपको करना है तो आप अपील सुप्रीम कोर्ट में करिए या फिर बड़े बेंच के सामने करिए, और वहां आपका मार्ग निकल नहीं, भरोसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमको लगता है अश्वनी जी उस समय थे जब सरकार में थे, जज पर मिनिस्टर थे, उसी वक्त उस घटना के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था CBI को सरकारी तोता कहा था। तो इस देश में सरकारें कैसे काम करती है, और आप जो तमाम जिक्र कर गए हमारे जहन में आ रहा है कि ED के चेयरमैन को कब बदला गया, एक्सटेंशन दिया गया था 2015 में उसको हटाया गया, उसके बाद फाइल नहीं, फिर नहीं, से खुली है। नहीं, कर्नल सिंह आए उससे पहले राजन थे। आप थोड़ा फैक्ट को सुधारता हूं, ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर थे इनके पास 2 चार्ज था, ये हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के भी सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री के और DG के थे। बिल्कुल, अब उनसे 1 चार्ज निकाल लिया गया इसलिए उनको बदला गया, इसका अर्थ नहीं होता है। 2 चार्ज होता है सर, उनका एक्सटेंशन खत्म कर दिया गया। वो राजन जो थे वो 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया था जुलाई में और बीच में हटा दिया, अभी तो फाइल बंद कर दी गई थी। अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। ये जो चल रहा है विवाद ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के कार्रवाई पर नहीं है, ये विवाद चल रहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने जो FIR दर्ज किया था वो दर्ज न करने के कारण जो हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की थी उसके ऊपर जो कोर्ट ने निर्णय दिया था उसके ऊपर विवाद चल रहा है। अभी तो एक भी डॉक्यूमेंट भारत सरकार की ओर से और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की ओर से उस कोर्ट में गया नहीं है। जब नहीं गया तो आप उनको आरोपी कैसे पकड़ोगे, दबाव डाला कैसे कहोगे? हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब कोर्ट में उस केस को डाला है तो यह सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट और
सोनिया जी और राहुल जी का मसला है नेशनल लेवल का, इसमें मैं कुछ कहना बनता है, हमारा कोई संबंध ही नहीं उसके साथ। मैं इसमें और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान, गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। सो गाइस, डू यू नो व्हाई ही इज कुकर कमाल दा? बिकॉज़ ही इज अ दिल्ली बॉय।